नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 मध्यस्थों के नाम तय किए हैं। इन नामों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस फकीर मोहम्मद इब्राहिम खलीफुल्ला, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रमुख श्री श्री रविशंकर और सीनियर अधिवक्ता श्री राम पंचू शामिल हैं। 3 सदस्यों के इस पैनल के सामने दोनों पक्षकार अपनी बात रखेंगे और ये मध्यस्थता फैजाबाद में होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्यस्थता के लिए बनी कमेटी के चेयरपर्सन पूर्व जस्टिस फकीर मोहम्मद इब्राहिम खलीफुल्ला होंगे, जबकि श्री श्री रविशंकर और श्री राम पंचू इसके सदस्य होंगे। इस कमेटी के सामने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षकार अपनी बातें रखेंगे। इसके बाद ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएगी। पूर्व जस्टिस फकीर मोहम्मद इब्राहिम खलीफुल्ला मूल रूप से तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में कराईकुडी के रहने वाले हैं। खलीफुल्ला का जन्म 23 जुलाई 1951 को हुआ था। उन्होंने 20 अगस्त 1975 को अपने वकालत करियर की शुरुआत की। वो श्रम कानून से संबंधित मामलों में सक्रिय वकील रहे थे। खलीफुल्ला को पहले मद्रास हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्हें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्हें साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के तौर पर नियुक्त किया गया और 2011 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए बनी कमेटी के 3 सदस्य हैं श्री राम पंचू। श्री राम पंचू वरिष्ठ वकील हैं। श्री राम पंचू मध्यस्थता के जरिए केस सुलझाने में माहिर रहे हैं। उन्होंने मध्यस्थता करके सुलझाने के लिए द मेडिएशन चैम्बर नाम की एक कानूनी संस्था भी गठित की है। इस संस्था का काम ही आपसी सुलह के जरिए कोर्ट से बाहर मुद्दों को सुलझाना है। श्री राम पंचू एसोसिएशन ऑफ इंडियन मीडिएटर्स के अध्यक्ष हैं। वो बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल मीडिएशन इंस्टीट्यूट के बोर्ड में भी शामिल रहे हैं। भारत की न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता को शामिल करने में उनका अहम योगदान रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम पंचू को वशिष्ठ मध्यस्थ और देश के सबसे पुराने मध्यस्थों में से एक बताया है। श्री राम पंचू देश के कई जटिल और VVIP मामलों में मध्यस्थता करा चुके हैं। इनमें कमर्शियल कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट के मामले जुड़े हैं। असम और नागालैंड के बीच 500 किलोमीटर भूभाग का मामला सुलझाने के लिए उन्हें मध्यस्थ नियुक्त किया गया था। इसके अलावा मुंबई में पारसी समुदाय के मामले का निपटारा करने में भी वो मध्यस्थ रह चुके हैं। आपको बता दें, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रमुख श्री श्री रविशंकर देश के प्रमुख आध्यात्मिक गुरुओं में से एक हैं। इससे पहले भी उन्होंने अयोध्या मामले में मध्यस्थता की कोशिश की थी। इसके लिए वो अयोध्या भी गए थे और पक्षकारों से मुलाकात भी की थी। श्री श्री रविशंकर इससे पहले भी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने इस मसले को सुलझाने के लिए एक फॉर्मूला भी पेश किया था। श्री श्री रविशंकर का नाम जैसे ही मध्यस्थ के रूप में सामने आया तो कई पक्षों और बड़े साधु संतों ने उनका विरोध किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।